हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूवी टिप्स्टर पे। आ वेरी वेरी वेलकम दोस्तों। आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं मेरे आप लोगों के लिए वीडियो ना डालते हुए। बहुत सारा रीज़न था दोस्तों, पर वो सब रीज़न को साइड करते हुए मैं आप लोगों के लिए वापस आ चुका हूँ टिप्स लेके। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर कीजिए, गाना वाना, और अपना टिप्स से फोकस कीजिए। क्योंकि मैं सोचा था एक ही बार कम बैक करूँगा, लगभग मैं 3 डेज पहले तक मैं फ्री हो चुका था दोस्तों, पर मैं बोला अब कम बैक करूँगा तो अच्छा घोड़ा के संग करूँगा। जैसा कि आप लोग ने देख रहे थे, रेस अपसेट जा भी रहा है, इसीलिए मैं सोचा डायरेक्ट अच्छे घोड़ा के संग ही कम बैक करते हैं और अपने सब्सक्राइबर लोग को हैप्पी करते हैं। बाकी मैंने सैटरडे एक वीडियो डाला था जिससे मैंने 3 में से 2 घोड़ा पास हुआ, डे बेस्ट डाला था दोस्तों। मैं जब टेक्स्ट में देता हूँ तो डे बेस्ट ही देता हूँ, डे बेस्ट पास हुआ 3 में 2। एंड उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि मैं ट्यूसडे से कम बैक कर रहा हूँ। जिस लोगों ने उस वीडियो देखा होगा तो उन्हें पता होगा ट्यूसडे से अपने आप लोगों का भाई कम बैक करेगा। दोस्तों आ चुका हूँ। तो दोस्तों आज तो मैं हर रेस का टिप्स दे रहा हूँ, पर दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं आपको वॉइस वीडियो में भी खाली डे बेस्ट ही दूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा वीडियो एक्स्ट्रा टिप्स देके फ़ायदा नहीं है दोस्तों, खामखा आप लोग खेलेंगे और लॉस करेंगे। क्योंकि हर रेस तो अपना रेस होगा नहीं दोस्तों, सबको पता है, भगवान भी नहीं दे सकते। तो दोस्तों इसीलिए आज मैं आपको हर रेस के टिप्स देता हूँ, क्योंकि कल हर रेस मुझे ठीक लग रहा है और सबसे हट के थोड़ा टिप्स लेके भी आया हूँ। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और मैं किस लिए वीडियो नहीं बना रहा था उसका रीज़न मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। आज थोड़ा टाइम कम है, वीडियो भी कम अपलोड होगा, अगर बताने चला तो आधा घंटा का वीडियो बन जाएगा। ये रेसिंग से अपसेट था दोस्तों, थोड़ा बताऊँगा बाद में। दोस्तों चलिए अपना वीडियो टिप्स स्टार्ट करते हैं, वीडियो तो नहीं टिप्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रेस नंबर 1 द टोटल लीजटर कप डिवीज़न 3 1200 मीटर दोस्तों, क्लास 4, 1:30 बजे। दोस्तों मैं एक बात तो आप लोगों को बताना भूल ही गया, कल अपना डर्बी रेस है तो धमाका करना है कि नहीं करना है, करना है ना। चलिए दोस्तों फर्स्ट रेस हॉर्स नंबर 7 ओनली यू एस ए ग्रे फॉर विन। पहला रेस में ये विन मानना चाहिए दोस्तों रेस नंबर 1 हॉर्स नंबर 7 ओनली यू फॉर विन। प्लेस मिले तो प्लेस मैक्स खेल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेस तो आएगा। रेस नंबर 2 दोस्तों 2 चॉइसेस है दोस्तों इसमें, हॉर्स नंबर 8 एंड हॉर्स नंबर 9, 9 फॉर विन 8 फॉर प्लेस। आते दोस्तों थर्ड रेस में थोड़ा अपसेट है दोस्तों, तो ना ही खेले तो ठीक है, पर अगर चॉइस चाहिए तो हॉर्स नंबर 7 क्लासिक चार्म एंड हॉर्स नंबर 1 टैक्टिकल कमांड बोथ फॉर प्लेस, दोनों ही बोर्ड पे आने चाहिए। पर अब देखिए तो रेस नंबर 4 द मैसूर क्लब ट्रॉफी 1400 मीटर, इसमें दोस्तों हॉर्स नंबर 5 वाइल्ड एम्परर जॉकी नीरज रावल फॉर विन। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल दिया बैक करूँगा, धमाका कैसे करूँगा, तो विन दे रहा हूँ। प्लेस मिल जाए तो आप प्लेस मैक्स खेल दीजिए, आपको प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट होने से मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों रेस नंबर 4 हॉर्स नंबर 5 वर्ल्ड एम्परर जॉकी नीरज रावर फॉर विन। फिफ्थ रेस दोस्तों थोड़ा अपसेट है, पर 2 चॉइस देता हूँ आप जोड़ी बना के खेले, हॉर्स नंबर 3 एंड हॉर्स नंबर 5 प्लेस। भले 10 पैसा प्लेस की ना खोले दोस्तों, दोनों पे प्लेस खेल दीजिए, क्योंकि यही दोनों बोर्डों का विन। तो मुझे लगता है कि अक्षय को मारना चाहिए कुछ फैक्ट्स देखते हुए, बाकी घोड़ा तो अच्छा है सोवरेन ओवर भी, पर इधर उधर थोड़ा देख दाख के लगता है कि हॉर्स नंबर 5 विन मारेगा। पर आप दोनों का प्लेस ही खेलिए, अब प्लेस ना मिले तो हॉर्स नंबर 3 का विन खेलिए और हॉर्स नंबर 5 का प्लेस खेलिए। तो रेस नंबर 6 अपना मेन रेस दोस्तों कल का, मैं तो बोलूँगा आप कोई रेस ना खेले, आप इसी रेस पे अपना पूरा फोकस करें, क्योंकि 2 घोड़ा देने वाला हूँ दोस्तों इसमें, 1 फॉर प्लेस एंड 1 फॉर विन।
द किंगफिशर अल्ट्रा डर्बी बैंगलोर ग्रेड वन दोस्तों, रेस नंबर 6, टर्म रेस ओनली फॉर 4 ईयर्स ओल्ड, 2400 मीटर 4:30 बजे। सो दोस्तों इसमें तो मेरा चॉइस आपको विन के लिए बताने का ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। हॉर्स नंबर 5 जुकरेली जो कि पी ट्रेवर फॉर विन, एंड प्लेस के लिए आपको 2 चॉइस देता हूँ दोस्तों, 3 देता हूँ, 3 में से आप 2 को जोड़ी बना के खेले। विन तो अकेला जुकरेली मारेगा, बट प्लेस के लिए 2 चॉइसेस है दोस्तों, हॉर्स नंबर 2 एंजेलिको एंड हॉर्स नंबर 4 सिल्वेरियस, बोथ फॉर प्लेस, बोथ सुट गेम, आना चाहिए दोनों दोस्तों। अपने डर्बी 5 विन 2 एंड 4 प्लेस, 2 एंड 4 ही सेकंड थर्ड होना चाहिए, आई एम 99.99% श्योर। अब बाकी मैं तो भगवान बैठा नहीं हूँ दोस्तों। दोस्तों रेस नंबर 7 द टीपी हनुमंत राजा मेमोरियल कप ट्रॉफी दोस्तों, 1200 मीटर 5:10 PM, क्लास 3 का रेस है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हॉर्स नंबर 5 लकी चांस जो कि अक्षय कुमार फॉर विन एंड रिकॉल ऑफ यू एंड द रिस्पॉन्स। दोस्तों मैं इसमें आपको टोटल अपना व्यू बता देता हूँ, हॉर्स नंबर 5 विन मारेगा एंड 6 और 1 के लिए, 6 और 1 में प्लेस के लिए फाइट होगा, कोई एक आएगा दोस्तों 6 और 1 में, सो आप देख लें। बाकी हॉर्स नंबर 7 अपसेट कर सकता है, पर मेरा चॉइस निकल के आ रहा है 6 एंड 1 फॉर प्लेस एंड 5 फॉर इजीली विन। दोस्तों आते हैं अपने लास्ट रेस में। दोस्तों वीडियो थोड़ा जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, हालांकि बहुत दिन के बाद आने के बाद भी, क्योंकि लेट हो चुका है दोस्तों, तो अभी और ज़्यादा अभी आदत भी छूट गया है वीडियो बनाने का। दोस्तों लास्ट रेस में आप करिए हॉर्स नंबर 2 बेलविड्रे जो कि नीरज रावल फॉर विन प्लेस, प्लेस मिले तो प्लेस मैक्स, बाकी प्लेस ना मिले, प्लेस तो मिलेगा पर ना मिले तो विन खेलिए। एंड और एक अगर आपको चॉइस दे दूँ तो मैं आप लीजिए हॉर्स नंबर 5 अगस्तो जो कि समाज शरीफ फॉर प्लेस। दोस्तों अपना टिप्स यहीं ख़त्म होता है, होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।